श्रीदीपा एक्चुअली हैड अ लॉट ऑफ थिंग टू डू. बेसिकली वो गई है पार्लर में सजने संवरने के लिए. मैं यहाँ पे हो रहा हूँ तैयार, जो कि मैं आधा तैयार हुआ हूँ, अभी तक हेयर करना बाकी है. बट घर में कुछ कुछ काम था जो मैंने निपटा लिया है. खास करके दिस वॉज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग, कि गिफ्ट का रैपिंग हो गया है. कपड़ा देना था, उसको सुखाने देना था, सब कुछ हो गया है. इन लोगों का खाना हो गया है, टी प्रिपरेशन था वो हो गया है. ऑलमोस्ट रेडी हूँ और अभी थोड़ी देर बाद उसका कॉल आएगा. अभी मेरे को जहाँ तक पता है कि श्रीदीपा का मेकअप हो चुका है, हेयर चल रहा था, लास्ट जो अपडेट था, और उसके बाद साड़ी पहनना है. तो शायद जब वो साड़ी पहनना शुरू करेगी तब शायद मेरे को कॉल कर देगी, क्योंकि मेरे को यहाँ से जाने में हाफ एन आवर लगेगा. निकलूंगा घर से तो पापा को बोल के जाऊँगा कि वो तैयार होना शुरू कर दे, ताकि जब हम आए बच्चों को खाना दे के निकल जाए. देखते हैं, प्लान तो ऐसा है, हर बार हम ऐसे ही प्लान करते हैं कि एकदम कट टू कट होना चाहिए, बट वो होता नहीं है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, क्योंकि हम बहुत सारा कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स रहता है. और तो जहाँ पे वो गई है वहाँ पे भी एक्चुअली बहुत ज़्यादा रश था, एंड इट सीम्स लाइक शी गॉट डिलेड बाई हाफ एन आवर. शी रीच्ड एक्चुअली हाफ एन आवर बिफोर, बट शी गॉट डिलेड बाई अनदर हाफ एन आवर, और ऑलमोस्ट वन आवर वो तो वहाँ पे वेट ही कर रही थी. तो ये सब एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से थोड़ा थोड़ा लेट हो जाता है. खैर कोई ना, अभी देखते हैं हम. मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने तरफ से कोई लेट ना हो, जब भी कॉल आ जाए मैं निकल जाऊँ. सो आई एम फाइनली आउट फॉर पिकिंग अप श्रीदीपा. वो गई है पौनी अप पे, जो कि है सॉल्ट लेक में, और सिग्नल आ गया. तो मेरा हेयर वेयर हो गया है, अभी मैं जा रहा हूँ श्रीदीपा को पिकअप करने, जो कि है सॉल्ट लेक में पौनी अप. तो अभी भी यहाँ से मेरे को 10 मिनट तो लग सकते हैं, क्योंकि संडे है, लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, और इतने ज़्यादा ट्रैफिक है कि मैं तो मतलब पागल हो गया. न्यू टाउन में भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था. देखते हैं कितने जल्दी पहुँच सकता हूँ. वो रेडी हो गई है जहाँ तक मुझे मालूम पड़ा है. जस्ट कॉल मी अप सेइंग दैट कि कितने बजे तक आओगे. मैंने कहा अरे निकल चुका हूँ कब का, अभी तक पहुँच नहीं पाया. तो देखते हैं फिर कैसा हुआ है उसका मेकअप, जिसके लिए वो बहुत दिनों से मतलब प्रिपरेशन तो नहीं लिया था बहुत दिनों से, बट उसने सोचा था कि करना है करके, बट फाइनली उसने बुक किया था. अभी देखते हैं पौनी अप में कैसा हुआ उसका. तो आ गया मैं पौनी अप पे, देखता हूँ. नाइस, वेरी नाइस. यू हैप्पी? देखा फूलों का कैसे इस्तेमाल हुआ है. नाइस नाइस. हैप्पी ना? बिट लेट, यस. बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ. मुझे आज का मेकअप बहुत अच्छा लगा है. मेकअप ऐसे ही होना चाहिए जो आपके फेस को कॉम्प्लीमेंट करे. ऐसा नहीं, उस दिन जो हुआ था शादी के दिन, बाप रे बाप, मैं याद भी नहीं करना चाहती हूँ. बाय द वे फोटोज मुझे नहीं मिला है अभी तक उनसे. आई थिंक उनको भी फोटोज देख के समझ में आया उसने क्या किया था, इसलिए वो भी और मुझे फोटोज नहीं भेज रहे. मैंने मांगा था उससे बट उसने भेजा नहीं है मुझे. आज का मुझे बहुत अच्छा लगा. ये साड़ी मैंने एग्जीबिशन से लिया था, मैं शेयर भी की थी, और उसके साथ मैं ये ब्लाउज पीस अलग से लेके स्टिच करवाई हूँ, क्योंकि इस साड़ी के साथ ब्लाउज पीस नहीं था. और उसके साथ मैं आज मेरे शादी के ज्वेलरीज पहनी हूँ. ये मेरे शादी का नेकलेस है, और उसके साथ जो सेट का इयर रिंग्स था वही पहनी हूँ. हाथ में भी शादी का ही दो बैंगल्स पहनी हूँ. अच्छी लग रही हो? दीपांजन आज बहुत ही अच्छा फ्लावर लेके आया था, ये जिप्सी फ्लावर एंड रोजेस. तो वाइट रोज एंड पिंक रोज, हल्का सा पिंक रोज लेके आया था, उसी से रेडी हुई हूँ. और मुझे आज का हेयर स्टाइल मेरा बहुत अच्छा लगा. मैं ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही सोच के गई थी, और पिंटरेस्ट से फोटोज भी सेव करके उनको दिखाई थी. एक रेफरेंस पिक्चर दिखाते हैं तो उनको भी समझ में आता है कि मैं क्या मांग रही हूँ, वैसे ही उन्होंने करके दिया है. और आंखों में भी मैंने कहा था कि ये साड़ी का जो गोल्ड है, तो ये गोल्ड स्मोकी आई अगर हो सकता है, तो उन्होंने बिल्कुल वैसे किया. लिप कलर भी बहुत डिसेंट रखा है उसके साथ, मतलब एकदम न्यूड नहीं बट एकदम बहुत चटक मटक भी नहीं. ये दीपांजन पहना है आज ये सिल्क वाला कुर्ता जो हमने लिया था दुर्गा पूजा के टाइम. कल हम लोग गए थे बुम्मा के रिसेप्शन में. अकॉर्डिंग टू आवर बंगाली ट्रेडिशन, जिस दिन शादी होता है उसके एक दिन बाद होता है बो भात, यानी कि रिसेप्शन का रिचुअल्स. बट उन लोगों का जो रिसेप्शन पार्टी है, मतलब शाम का, वो हो रहा है आज, दो दिन बाद. बट जो रिचुअल्स है वो तो उसी दिन होना है, तो वो कल था सुबह. मतलब भात का पो जो एक सिंबॉलिक है कि एक थाली में
राइस, बहुत सारे खाना, साड़ी, ये सब देके वाइफ को बोलना पड़ता है कि मैं तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, आज से तुम्हारे सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे। ये अभी सिम्बॉलिक होके रह गया क्योंकि अभी तो दोनों ही दोनों के रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। तो वो कल हम गए थे उनके घर सुबह, बहुत मजा आया। मैंने फिर से एक बंगाली व्लॉग बनाया है, तो अभी बंगाली चैनल में भी वो व्लॉग बहुत जल्दी आ जाएगा। तो जो लोग यहाँ पे पूछते थे कि उस चैनल में क्यों नहीं वीडियो दे रहे हो, फाइनली हम लोग सोचे हैं कि उस चैनल में वीडियो देंगे। और आप लोग चेक करते रहिएगा बंगाली व्लॉग, जो लोग देखते हो मेरे फॉलो करते थे पहले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वालों ऐसे देखते रहिएगा जो कि बंगाली समझते हैं या फिर जो बंगालीज हैं वो देख सकते हैं वहाँ पे भी हम थोड़े थोड़े व्लॉग देते रहेंगे अभी। और एक खैर, एक इम्पोर्टेंट बात जो आज मिस हो रहा था, अभी आज जो कि है 18th of December संडे, आज वर्ल्ड कप फाइनल का दिन है। और आपको पता ही है कि मैं अर्जेंटाइन सपोर्टर हूँ, तो पता नहीं मैच एक बार तो बोला था बुमा मैं आऊंगा ही नहीं, तुम क्यों ऐसे दिन में अपना रिसेप्शन रखे हो, वो भी एक दिन डिले करके तुमने आज रखा है। ठीक है, जो भी अच्छा खेलेंगे वो जीतेंगे, बट माय हार्ट विल बी ऑलवेज फॉर अर्जेंटीना। वो बोल रहे हैं वहाँ पे जाके फोन में ही देखता रहेगा मैच, पापा का भी वही है, पापा भी देखना चाहते हैं मैच। तो वहाँ पे पहुँचते हैं, पहुँच के दिखाती हूँ आज का फंक्शन। एक ही चीज़ है कि आप लोग, मुझे पता है फ्लरी क्यारा को मिस करोगे, बट फ्लरी क्यारा को हम नहीं लेके जा सकते, कम्युनिटी हॉल में एक तो अलाउड नहीं है। और अभी शादी का घर है तो वहाँ पे बहुत सारे लोग, हर सब कम्फर्टेबल नहीं होते हैं, तो मैं इस चीज़ को बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ, इसमें मुझे बुरा नहीं लगता है, क्योंकि ज़बरदस्ती किसी के ऊपर मैं कुछ भी नहीं थोपती हूँ। जैसे मुझे अच्छा नहीं लगता है कोई मेरे ऊपर थोपे तो बुम्बा के फैमिली तो फ्लरी क्यारा को बहुत प्यार करती है, उन्होंने बहुत बार बोला है प्लीज़ लेके आओ, हमारे घर पे रख के तुम लोग कम्युनिटी हॉल जाना, बट और भी लोग हैं ना शादी घर में तो नहीं करना चाहिए ऐसा, सबके बारे में सोच के ही हम, फ्लरी क्यारा का भी वो कम्फर्ट जोन नहीं होगा, तो इसलिए हम फ्लरी क्यारा को रख के ही जाएंगे, रात को हम लोग वापस आ जाएंगे घर पहुँच के, और ज़्यादा काम नहीं है, हम लोग 6:30 तक निकल जाएंगे, यही प्लान है। एक रील बनाऊंगी छोटा सा फिल्म, क्योंकि ऐसा मेकअप तो बार बार होगा नहीं ना, तो चुप रहो, मैं बहुत जल्दी रील बनाती हूँ। हाँ, तो क्योंकि ऐसा मेकअप थोड़ी रोज रोज होगा, तो आज जब हुआ है तो बनाना तो पड़ेगा। काका की सुंदर लग रहे आज, मेकअप आदमी से रेडी हुई है, जोर से बोलो यहाँ पे दीदी भाई है, और यहाँ पे और यहाँ पे सारे स्टार्टर्स है, चिकन मोमो है, चिकन स्टिक है, और यहाँ पे है फिश फिंगर जो कि ख़त्म होता रहता है। फिश फिंगर इज़ वेरी पॉपुलर, वो बीच बीच में ख़त्म होता रहता है और आता रहता है, लोग बहुत खा रहे हैं फिश फिंगर। उधर अर्जेंटीना 2-0 से आ गया, मैं बहुत खुश हूँ, देखते हैं हाफ टाइम के बाद क्या होता है। यहाँ पे आ गए सारे पुराने पापी, हम लोग सब साथ में जॉब करते थे, मैं, बुम्बा, अभिषेक एंड अभिषेक वाइफ शिल्पी, सब पुराने पापी एक जगह पे आ गए। अभी ये लोग सब नए पापी हैं। अभी देवदत्ता ऐड हुई है ग्रुप में। शिल्पी अभी ले रही है आके, और यहाँ पे फिश फिंगर आते ना शेष आते, अभी जत बार आसी फिश फिंगर शेष फाइनली पावा गए। আমরা কি ইনঅ্যাকটিভ? ভেরি অ্যাকটিভ। বলছি ম্যাচের কি হলো? ম্যাচ 2-0। আর্জেন্টিনা 2-0। লড়কে সারে আপনে ফোন পে, ইনফ্যাক্ট যে কেটারিং পে সার্ভিং বয়েজ হে ও লোগ ভি আপনে ফোন পে ম্যাচ দেখ রহে হ্যায়। আর মে আর দিদি ভাই ইয়াহ পে ব্যাঠ কে আবি থোড়া আড্ডা মার রহে হ্যায়। দিদি ভাই কো মে বোল রহে থে আজ রহ যাও হামারে সাথ, মতলব নিউ টাউন মে জাকে, বাট দিদি ভাই নেই রহে। তো জানতি হ্যায় ক্যা প্রবলেম হ্যায়, দাদা কা তবিয়ত ঠিক নেই হ্যায়। বাস ক্যা লাগ রহি হ্যায়। মামি আজকে হিন্দিতে ব্লগ করছি, আমারি মামি, স্বীট মামি, মামি বেঙ্গলি ব্লগ মে বহুত বাত করতি হ্যায়, হিন্দি মে সব লোগ হি থোড়া কম কম বাত করতে হ্যায়। ও ইয়াহা পে নিচে হ্যায় ডিনার কা অ্যারেঞ্জমেন্ট, বাফে সিস্টেম, দীপাঞ্জন অভি ভি দেখ রহা হ্যায় ম্যাচ, ম্যাচ খতম নেই হুয়া হ্যায়, আর ইয়াহা পে কুছ লোগ অলরেডি খানা খা রহে হ্যায়। দিদি ভাই ভি, দিদি ভাই নে কিয়া লিয়া হ্যায় পেহলে, কবিরাজি, ফিশ কবিরাজি,
आज का मेनू है बटर नान, नवरत्न कोरमा, पनीर पसंदा, पुलाव तो खोलो भाई, कॉलीफ्लावर रोस्ट, ओके, पनीर बटर मसाला, ओह दिस इज द वेट साइड, आई हैव कम टू द रॉन्ग साइड, यहाँ पे है बिग बटर नान, उसके साथ नवरत्न कारी वही जो उधर भी है, फिश कोबी राजी, सलाद डिफरेंट काइंड ऑफ सलाद, उसके साथ है पुलाव, फिश टोमेटो जो खोलो, मटन रोगन जिस मटन बोलो हो गया हमारा कितना हो जाए टाइम कितना हुआ है और अर्जेंटीना विन के लिए थम्स अप थम्स अप ये 11:40 घर चलो बच्चे अकेले है 11:40 अरे अर्जेंटीना टोपी तो बोल रहे टोपी खोल लूं नहीं तो कोई पहचान नहीं पाएंगे अर्जेंटीना का कैप है वो अर्जेंटीना ये कोई अर्जेंटीना का सपोर्टर नहीं है यहाँ पे ठीक है ये सब बेकार में कर रहे हैं कोई इनमें से कोई भी अर्जेंटीना का सपोर्टर नहीं है ये मैंने 2018 में लगाया था और आज इसका जो अहमियत है वो सबको समझ में आ रहा है उस दिन मेरे को सब ने बोला था सब ने गाली दिया था आज इसका असली असली फायदा हुआ चलो बच्चे अकेले हैं गुड आफ्टरनून गाइस दीदी भाई को पहले हमने ड्रॉप किया चिंगरीहाटा वहाँ से वो कैब पकड़ के चले गए मतलब जब तक कैब आ रहा था हम लोग वहीं पे खड़े थे तो वो कैब में उठ गई और फिर हम लोग घर आ गए और आज फिर एक नई सुबह मंडे मॉर्निंग मेरे हेयर थोड़े से पागल जैसे दिख सकते हैं क्योंकि कल क्रिम्पिंग करके कर्ल किए थे तो मैंने आज और शैम्पू नहीं किया क्योंकि कल ही शैम्पू की थी यार आप लोग फ्लारू और क्यू क्यू को देखने के लिए बेचैन हो रहे होंगे तो यहाँ पे है फ्लाडू मामा बोनू कोई क्यू क्यू कोई कोथा है क्यू 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 दादी ऑफिस नहीं करेंगे क्यूँकी के साथ ऑफिस करना पड़ेगा डैडी को आज बहुत नीडी बच्ची बन गई है मेरे पास किचन में बैठी थी अभी आके दीपांजन के पास बैठी है कल बहुत ज्यादा टाइम ही वो दोनों अकेले थे ऑलमोस्ट 6 hours छोना बाबा आज के एगू केक है इसलिए आज क्या मिला बोनस ब्राइब मामा डैडी ब्राइब करते है दोनों को हाँ मामा डैडी कैसे है तुम्हारे तुमको ड्राइव करते हैं एक्चुअली आज हमारा बहुत सिंपल मेन्यू है बंगाली घरों में सिंपल मेन्यू बताते ही समझ जाना कि राइस आलू शेद्ध डिम शेद्ध बॉइल्ड आलू बॉइल्ड एग उसके साथ या तो दाल या तो घी हमारा दोनों ही है दाल थोड़ा सा लेफ्ट ओवर दाल है वो है और नहीं तो एकदम ये कंट्री डिलाइट का जो एकदम दानेदार घी बहुत टेस्टी है ये घी बहुत ज़्यादा और ये खाने के बाद ना कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता इतना प्योर है कि कोई डाइजेशन का प्रॉब्लम या बर्प आना वो सब नहीं होता है ये हमने देखा है बहुत थोड़ा सा लगता है और बहुत टेस्टी है उसी से आज हम लोग लंच कर लेंगे क्योंकि सुबह ना तो खाना बनाने का मन था और थोड़ा सा ये 3-4 दिन शादी के चक्कर में थोड़ा रिच खाए भी है बट इतना फ्रेश और अच्छा खाना था कि कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है ये बैक टू बैक जो हम खा रहे थे उसके बाद भी आज थोड़ा सा लाइट खाएंगे फिर भी और पापा आज शाम को बोल रहे चले जाएंगे तो ठीक है पापा का भी कुछ बैंक का काम है तो बोला और घर पे जो विंटर के टाइम फ्लावर प्लांट्स जो भी लगाए हैं वो उसमें पानी वानी डालना पड़ेगा 3-4 दिन से यहीं पे है तो इसलिए बोल रहे कि आज शाम को चले जाएंगे क्यों छोना बच्चा अच्छा छुए पालो बेटू तो चले जाओ क्यों एर बेटू कोई कहाँ पे क्यू का बेडू ये है क्यू का बेडू क्यू के बेडू में क्यू का ही सोने का जगह नहीं है ऐचो एखाने ऐसो हाँ दीदी को किसी कर दो मैं दीदी के पीछे कैब बुक हो गया है पापा भी रेडी वहाँ पे अपना शू पहन रहे हैं यहाँ पे बैग रेडी क्यू क्यू दादू कोथाय जाच्छे फ्लाडूम जा दादू टाटा हो जाच्छे टाटा बाय बाय मुझे लगा था 3-4 दिन शादी वादी हुआ अभी पापा एक दिन रहेंगे कल या परसों जाएंगे पर पापा बोल रहे नहीं आज ही जाना पड़ेगा तो ये दोनों भी समझ नहीं पा रहे इसलिए कि क्या हुआ अचानक से अभी तो सब साथ में बैठ के चाय पी रहे थे विंटर का टाइम 7 o'clock हो रहे हैं जल्दी पहुँच जाना ही बेहतर है उधर दीपांजन भी रेडी हो रहा है क्योंकि कल अर्जेंटीना वर्ल्ड कप फाइनल जीत गया है तो
उस खुशी में उन लोगों का प्लान था कि सब कहीं बैठ के मैच देखेंगे दोस्त लोग मिलके, तो वो तो कल नहीं हुआ है क्योंकि हम लोग कल नहीं थे, इसलिए उसके बाकी दोस्तों ने कल साथ में ही देखा है सब मैच। तो आज उसी दोस्तों को मिलने जा रहे हैं ऑफिस के काम के बाद, थोड़ा उन लोगों के साथ कॉफ़ी वॉफी पिएगा फिर घर आएगा, और मैं थोड़ा बच्चों को लेके घर पे रहूँगी। मुझे आज बहुत नींद आ रहा है, बहुत ज़्यादा। हाँ उन लोग साथ में ही मैच देखे, साथ में ही रात को एंजॉय किया एकदम लेट नाइट। कोई स्पोर्ट्स बार में जाके, इन लोगों का वही प्लान था बट हमारा तो नहीं हुआ इसलिए आज जा रहे हैं, आज ऐसे ही लोकल कॉफी पी के आ जाएगा। टाटा बाबा, आबार कब आसबे? आबार आसबे कोदिन बाद।